कर्नाटक को प्राकृतिक और सांस्कृतिक रूप से एक राज्य अनेक दुनिया वन स्टेट मैनी वर्ल्ड के नाम से जाना जाता है। इस भव्य भूमि में खूबसूरत समुद्र तट, सुरम्य सह्याद्री पर्वतमाला, मैदानी इलाकों में ऐतिहासिक स्थान, कई नदियों का प्रवाह, सोने जैसी विशाल मात्रा में खनिज संपदा मौजूद है। यहाँ कृषि, वन विधा, वन्य जीव संपदा सहित विविधता का विशाल स्तर मौजूद है। हमारा राज्य इनसे चकाचौंध है। इस राज्य का नाम कर्नाटक सुखे रखे हुए 50 वर्ष हो गए हैं। 1 नवंबर 1973 को मैसूर राज्य का नाम बदलकर कर्नाटक कर दिया गया। उसी की याद में इस साल कर्नाटक संभ्रम 50 मनाया जा रहा है। कन्नड़ भाषा का अस्तित्व और विकास हमारे जीवन और मृत्यु का विषय है। हम अपनी भाषा और संस्कृति पर कोई भी हमला बर्दाश्त नहीं करेंगे। मेरी सरकार किसी भी कीमत पर हमारी मातृभाषा और बसवन्ना कुवेंपु आदि द्वारा समर्थित कर्नाटक संस्कृति को संरक्षित और विकसित करने के लिए प्रतिबद्ध है। कन्नड़ भाषा के समग्र विकास के लिए कन्नड़ भाषा व्यापक विकास अधिनियम 2022 बनाया गया है और इसे शीघ्र ही लागू किया जाएगा। लोगों के हित के लिए हमने निर्णय लिया है और कानून बनाया है कि 60% नेम प्लेट कन्नड़ में होनी चाहिए और इसे लागू करने के लिए कदम उठाए गए हैं। वर्ष 2023-24 के दौरान महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के तहत 27.87 लाख परिवारों के 50.22 लाख लोगों को रोजगार उपलब्ध कराया गया है और दिसंबर 2023 के अंत तक 3,350.85 करोड़ रुपए की मजदूरी राशि का भुगतान किया गया है और नरेगा कार्यों के कार्यान्वयन पर कुल 4,981.98 करोड़ रुपए का व्यय किया गया है। सूखे के मद्देनजर केंद्र सरकार से नरेगा योजना के तहत 100 दिनों के बजाय 150 दिनों के लिए रोजगार की गारंटी देने का आग्रह किया गया है और मेरी सरकार इसके कार्यान्वयन की उम्मीद कर रही है। मेरी सरकार की योजना राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल आपूर्ति के लिए जल जीवन मिशन के माध्यम से 2024 तक ग्रामीण क्षेत्रों के सभी घरों में नल जल कनेक्शन उपलब्ध कराने की है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत 825 करोड़ रुपए की लागत से 780 किलोमीटर लंबी सड़कें विकसित करने का इरादा है। अब तक 214.170 किलोमीटर लंबी सड़क का काम पूरा हो चुका है और 206.80 करोड़ रुपए का भुगतान किया जा चुका है। 2023-24 के दौरान SC, SP, TSP के तहत अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के व्यापक विकास के लिए 35,580.38 करोड़ रुपए आवंटित किए जा चुके हैं तथा पर्याप्त योजनाओं के माध्यम से कार्यान्वित किए जा रहे हैं। वर्ष 2023-24 में किराए के भवनों में चल रहे KREIS स्कूलों और SC/ST छात्रावासों के लिए स्वयं के भवन बनाने के लिए 960 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। समाज कल्याण विभाग के 23 नवीन छात्रावास भवनों एवं 23 KREIS विद्यालयों का निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका है। मुख्यमंत्री कौशल्या कर्नाटक योजना के तहत 75,299 उम्मीदवारों को प्रशिक्षित किया गया है और 11,599 उम्मीदवारों को नौकरी दी गई है। वृहद बेंगलुरु महानगर पालिका के भीतर यातायात की भीड़ को कम करने के लिए टनल रोड का निर्माण प्रस्तावित है। फिलहाल सुरंग के निर्माण पर प्रगति रिपोर्ट तैयार की जा रही है। बेंगलुरु मेट्रो चरण 2 रीच 5 नई लाइन रागीगुड्डा से सेंट्रल सिल्क बोर्ड तक 19.15 किलोमीटर लंबी डबल डेकर मॉडल के तहत 3.3 किलोमीटर लंबाई के 16 स्टेशनों के साथ
वर्तमान में 98% हासिल की गई है और जुलाई 2024 तक खोलने की योजना है। बेंगलुरु मेट्रो रेल परियोजना चरण 2A सेंट्रल सिल्क बोर्ड से कृष्णराजपुर तक 19.75 किलोमीटर और चरण 2B कृष्णराजपुर से केम्पेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे तक का काम प्रगति पर है और इसे जून 2026 तक पूरा करने की योजना है। कावेरी जल आपूर्ति चरण 5 परियोजना बृहद बेंगलोर नगर निगम में शामिल 110 गांव क्षेत्रों में 775 MLD अतिरिक्त पेयजल की आपूर्ति करने की परियोजना मार्च 2024 में लागू करने का इरादा है। मेरी सरकार शक्ति योजना के कुशल क्रियान्वयन के साथ साथ राज्य परिवहन के लिए नई बसें खरीदकर उन्हें सार्वजनिक परिवहन के लिए उपलब्ध करा रही है। पिछले कुछ सालों से सरकारों ने एक भी नई बस नहीं दी, एक भी पद नहीं भरा, लेकिन केवल 8 महीने में मेरी सरकार ने 1150 नई बसें खरीदकर विभिन्न परिवहन निगमों को उपलब्ध कराई और 1550 से अधिक रिक्त स्थान भरकर उन्हें लोगों की सेवा में तैनात किया। मेरी सरकार अपने अस्तित्व में आने के कुछ ही समय में विभिन्न विभागों में सरकारी नौकरियों के लिए भर्तियां कर रही है। अभी तक 16,000 से अधिक युवाओं को विभिन्न सरकारी विभागों में नियुक्त किया जा चुका है और वे प्रशिक्षण ले रहे हैं। इसके अलावा विभिन्न स्तरों पर 14,000 से ज़्यादा पदों पर भर्तियां चल रही है। मेरी सरकार भर्तियों में पूर्ण पारदर्शिता लाने और दोषियों को कड़ी सजा देने के लिए अधिनियम भी लागू कर रही है। छात्रों, मजदूरों, श्रमिक वर्ग के लोगों की भूख मिटाने के उद्देश्य से इंदिरा कैंटीन 2 योजना बनाई गई है। चरण 2 में नए शहरों और स्थानीय निकायों में नए मेनू के साथ 188 नई कैंटीन शुरू की जा रही है। जहां कोई कैंटीन नहीं बनाई गई है, इनका निर्माण कार्य पहले ही चल रहा है। बजट 2023-24 में जल संसाधन विभाग के लिए कुल 16,735.49 करोड़ रुपए का अनुदान आवंटित किया गया है। दिसंबर 2023 के अंत तक 10,357.91 करोड़ रुपए की वित्तीय प्रगति और 31,117.98 एकड़ की सीमा तक सिंचाई क्षमता का निर्माण हासिल किया गया है। राज्य के समग्र विकास में अच्छा सड़क नेटवर्क बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। मेरी सरकार ने अच्छी गुणवत्ता वाले सड़क नेटवर्क के निर्माण के लिए राज्य राजमार्गों और प्रमुख जिला सड़कों और अन्य सड़कों के सुधार, राज्य अनुदान और बाहरी सहायता के साथ विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से पुलों का निर्माण शुरू किया है। राज्य स्तरीय एकल खिड़की मंजूरी समिति ने 165 निवेश परियोजनाओं को मंजूरी दी है, जिसमें 45,325 करोड़ रुपए का निवेश होगा और 42,292 लोगों के लिए रोजगार के अवसर पैदा होंगे। कर्नाटक पर्यटन विभाग ने नई नीति के से योजनाओं को लागू करने के लिए कर्नाटक पर्यटन ब्लूप्रिंट तैयार किया है। पर्यटन के माध्यम से शैक्षिक, ऐतिहासिक और सांस्कृतिक, वाणिज्यिक और व्यावसायिक जागरूकता पैदा करने के लिए योजना बनाई और क्रियान्वित की जा रही है। स्कूली बच्चों की चिड़ियाघरों की शैक्षिक यात्राओं, वन भ्रमण और साहसिक पर्यटन आदि को बढ़ावा देने के लिए प्रभावी उपायों के साथ एक पर्यटन नीति और एजेंडा की जल्द ही घोषणा की जाएगी। राज्य के सरकारी प्राथमिक एवं माध्यमिक विद्यालयों तथा प्री यूनिवर्सिटी कॉलेजों को निःशुल्क पेयजल एवं निःशुल्क बिजली की सुविधा उपलब्ध की गई है। ಕನ್ನಡಿಗರ ಮೆಚ್ಚಿನ ನಿಮ್ಮ ನ್ಯೂಸ್ 18 ಕನ್ನಡ ಈಗ ವಾಟ್ಸ್ಆಪ್ನಲ್ಲಿಯೂ ಲಭ್ಯ. ಕರ್ನಾಟಕ ಮತ್ತು ದೇಶ ವಿದೇಶದ 360 ಡಿಗ್ರಿ ಸುದ್ದಿ ವಿವರವನ್ನ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಕೈ ಬೆರಳುಗಳಲ್ಲಿಯೇ ಪಡೆಯೋದಿಕ್ಕೆ ಈ ಕ್ಯೂ ಆರ್ ಕೋಡ್ ಅನ್ನ ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿ ನಮ್ಮ ಚಾನೆಲ್ ಅನ್ನ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಆನ್ ಮಾಡಿ.